नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 35, 15, 16, 20 एंड 25। कॉलम 2 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इन्हें आपस में मैच करके दिखाना है। सबसे पहला पार्ट कॉलम 1 में देखिए, ये कहता है 35। कॉलम 2 में ए पार्ट है मल्टीपल ऑफ 8, लेकिन 35 8 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 8 के पहाड़े में 35 नहीं आता। बी पार्ट कॉलम 2 में है मल्टीपल ऑफ 7, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 35 7 के टेबल में आता है। इसके बाद कॉलम 1 में सेकंड पॉइंट है 15। कॉलम 2 में मिलाएं तो ए पार्ट है मल्टीपल ऑफ 8, लेकिन 15 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। सी पार्ट है मल्टीपल ऑफ 70, लेकिन 15 जो है वो 70 का भी मल्टीपल नहीं है। डी पार्ट है फैक्टर ऑफ 30, ये सही है क्योंकि 15 30 का फैक्टर है, 15 के टेबल में 30 आता है, 15 टू द 30। अब हम बात करते हैं कॉलम 1 में सी पार्ट थर्ड पार्ट जो कि है 16। कॉलम 2 में ए पार्ट है मल्टीपल ऑफ 8, यही इसके साथ मैच हो सकता है क्योंकि 8 का मल्टीपल 16 होता है। 8 के पहाड़े में 8 के टेबल में 16 आता है, 8 टू द 16। अब है कॉलम 1 फोर्थ पार्ट 20। अब 20 जो है कॉलम 2 में तीन पार्ट्स बचे, सी पार्ट है मल्टीपल ऑफ 70, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 70 के पहाड़े में 20 नहीं आ सकता। ई पार्ट है फैक्टर ऑफ 50, लेकिन 50 20 के पहाड़े में नहीं आता। एफ पार्ट है फैक्टर ऑफ 20, ये सही है क्योंकि 20 20 का फैक्टर है। फिफ्थ पार्ट है 25, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई पार्ट फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 50 25 के पहाड़े में आता है। हमारे पास सिर्फ एक पार्ट है जो मार्क नहीं हुआ, वो है सी पार्ट मल्टीपल ऑफ 70। इस प्रकार से आप इन मैच द कॉलम को कर सकते हैं।